सीतामढ़ी के महिला थाना के सामने किराए के घर में चल रहे देह व्यापार को पुलिस ने भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने घर में छापेमारी करते हुए 4 कॉलगर्ल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए पुरुष की पहचान मकान मालिक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक मोहम्मद ईसा लड़कियों से घर के अंदर देह व्यापार कराता था। इसी दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 4 कॉल गर्ल हिरासत लिए। पकड़ी गई कॉल गर्ल में 2 नाबालिग को मुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से आई GBI NGO के द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के आलोक में शहर के थाना रोड स्थित महिला थाना के सामने एक घर में छापेमारी की गई। इसके बाद ही देह व्यापार का भंडाफोड़ किया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से मोहम्मद ईसा अपने घर में देह व्यापार का संचालन कर रहा था। पुलिस इस धंधे में संलिप्त और लोगों की तक पहुंचने की प्रयास कर रही है। अरे हो गया भैया, अरे हो गया भैया। सीतामढ़ी पुलिस को कल एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि एक NGO द्वारा सूचना दिया गया कि महानसा चौक के पास एक प्राइवेट मकान में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। तो इसकी सूचना के सत्यापन तथा छापेमारी के लिए DSP हेडक्वार्टर 2 श्री अकेश रंजन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। गठन करके छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में पुलिस द्वारा वहां से कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कि 3 महिला 1 पुरुष व्यक्ति हैं और 2 नाबालिग बच्चियों को वहाँ से मुक्त कराया गया है। और इसको लेकर के मोबाइल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत हम लोग कांड दर्ज किए हैं और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मकान मालिक जो जिनके मकान में यह कार्य किया जा रहा था उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है तथा जो मकान है उसे भी सील करने का प्रोसेस जो मोबाइल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत है वो प्रोसेस किया जा रहा है। सर ये लड़कियाँ कहाँ की है, ये कैसे कुछ पता चला? लड़कियों का डिटेल अभी पूछताछ किया जा रहा है लेकिन इसी जिला के रहने वाली हैं। डिटेल उतना शेयर करना विधिसंगत नहीं है लेकिन 2 लड़कियाँ हैं जो कि नाबालिग हैं जिन्हें वहाँ से मुक्त कराया गया।